नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों कल की 2898 एडी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल की ने कल अपने 46 डे पे फिर से कमाल किया, फिर से धमाल किया, फिर से मतलब एक तरीके से बॉक्स ऑफिस को उड़ा दिया है, क्योंकि 46वीं दिन अगर फिल्म 1,50,00,000 का कलेक्शन करती है, 1.5 करोड़ का कलेक्शन करती है, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक धमाका है दोस्तों। तो कल की ने फिर से मतलब 1.5 करोड़ का कलेक्शन कर दिया है कल बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जो इसके टोटल को लेके जाता है 644.84 करोड़, मतलब लगभग 645 करोड़ रुपीज का कलेक्शन इसका ऑलरेडी हो चुका है। और डेफिनेटली अब 650 करोड़ के क्लब में ये फिल्म एंट्री करेगी। हालांकि 15 अगस्त को कई बड़ी फिल्में आ रही है, लेकिन फिर भी कल की चलती रहेगी मुझे लगता है, और 650 करोड़ जरूर लाइफ टाइम करेगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 650 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं। हमें दोस्तों बात करें अगर इसका कल तेलुगु कलेक्शन का, तो तेलुगु का कल 30 लाख रुपए का कलेक्शन आया और हिंदी का करीब 1,20,00,000 का कलेक्शन आया है। तो टोटल करीब कल 30% से ज्यादा का जंप मिला है सैटरडे के मुकाबले, क्योंकि सैटरडे को फिल्म ने 1 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था। और दोस्तों हिंदी में 1 करोड़ का कलेक्शन करना, 1,20,00,000 का कलेक्शन करना अपने 46th डे पे बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरों में कहां दम था। और दोस्तों बैड न्यूज जैसी फिल्में और जोशी घुसपैठिया वगैरह जो भी फिल्में आई है, वो सब फिल्में मतलब कि लाखों में कलेक्शन कर रही है, 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख का कलेक्शन इनका आ रहा है, और कल की 1,20,00,000 हिंदी में कर रही है अपने 46वें दिन पे। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑलरेडी हो चुकी है। 1,170 करोड़ के आसपास इसका ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है, और हिंदी में करीब 294 to 295 करोड़ से कलेक्शन नेट बता रहा है, जबकि मुझे लगता है कि 296 करोड़ के आसपास ये फिल्म अब तक जा चुकी है। अभी ऑफिशियल पोस्टर आने दीजिए, 300 करोड़ में एंट्री करती है नहीं करती देखने वाली बात होगी। मैं तो चाहता हूँ कि 300 करोड़ जरूर ये फिल्म करे, क्योंकि एक डिजर्व करती है। तो बहुत बड़ी हिट फिल्म हो चुकी है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है सॉरी, और एक्ट्रेस की बिल्कुल एक तरीके से वाट लगा चुकी है फिल्म। अब देखते हैं कि अब जो फिल्म है वो कितने दिन तक थिएटर्स में रहती है और कितना कुछ अपने टारगेट को आगे लेके जाती है, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। जवान पठान बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ये ब्रेक कर चुकी है, और आज फिल्म करीब 30 लाख के आसपास कलेक्शन करने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलेगा।